कुछ शायद कुछ चंद महीने ही तो बीते थे कि मैं तेरे इतना पास आने लगा। मुझे तो खबर भी ना हुई कि मैं कब, कैसे और क्यों तेरी ओर खींचा चला आया। तुझसे बात नहीं भी हो रही हो तब भी तुझसे बात करने के बारे में सोचता हूँ। सोचता हूँ कि मैं तेरी वो कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी बातें सुन रहा हूँ और तेरी आवाज़ अभी भी कहीं मेरे कानों में जैसे गूंज सी रही है। हद से भी ज़्यादा खुश होने लगता हूँ जब भी सोचता हूँ कि घर जाके फिर तेरी सुकून भरी आवाज़ सुनूंगा जिससे मेरे खानों के पर्दे भी लहरा उठेंगे। तेरा मेरी ओर देखते हुए हंसना, पास आना और मेरी धड़कन का जैसे अचानक बढ़ जाना, शायद तेरी मौजूदगी में वो एहसास है जो कहीं और नहीं। एक घबराहट सी होने लगती है जब भी तुझसे मिलने के बारे में सोचता हूँ। कुछ परेशान सा हो जाता हूँ ये सोच के कि चलो मिल तो लूंगा, लेकिन मिल के फिर जब तुझसे जुदा होऊंगा ना तो रो ही जाऊंगा, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, पर हाँ शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी तुझे भी लगता होगा ना कि कौन लड़का आज के जमाने में इतना नाजुक होता है, तो बस इतना समझ ले कि जब किसी लड़के को प्यार होता है ना, मैं कोई सच्चा प्यार या शिद्दत वाला प्यार नहीं कह रहा, सिर्फ प्यार की बात कर रहा हूँ, जब होता है ना वो प्यार, तो बस उस इंसान के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, वही ताकत और वही कमजोरी बन जाता है, वही मजबूरी और वही सहारा बन जाता है। तुझे खोने से भी डरता हूँ और तेरे पास आने से भी, वो एक डर होता है ना फिर से छोड़ जाने का, वो इतना ज्यादा सताता है कि बस। लेकिन फिर तू चुपके से मुझे आवाज देके सब कुछ ठीक कर देती है। वो होता है ना कि हम अगर कुछ काम कर रहे होते हैं तो बोल देते हैं लोगों से कि हम बात नहीं कर सकते हैं। शायद आज भी दुनिया को बोल दूं कि हाँ मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन जब तेरा नाम पढ़ता हूँ ना कसम से खुद से सवाल करता हूँ कि कैसे ये मौका छोड़ दूं तेरी आवाज़ सुनने का, तुझसे बात करने का। चाहता हूँ रहना तेरे साथ में, चाहता हूँ वो सब कुछ दूँ तुझे जिसके लिए तू तड़पा तरसा और बेचैन रहा, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता, वक्त देना चाहता हूँ तुझे और खुद को एक दूसरे को जानने पहचानने और परखने का, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी के फैसले कुछ मुश्किलों में डाल देते हैं। कल को तू मुझे अपनाए भी नहीं ना तब भी चलेगा, लेकिन उस फैसले से तू खुश होनी चाहिए। मैंने प्यार तुझसे बिना किसी शर्त के किया, वो मेरी किस्मत होगी अगर तू मेरी होगी, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, जी पहले भी रहे थे फिर जी के देख लेंगे एक बार। तेरा अपने हाथों से खाना खिलाना एक दोस्त की तरह, और मेरा तेरी आंखों में आंखें डाल के तेरे कोमल हाथों से खाना खाना एक प्यार की तरह। खिंच तो तू भी रही है मेरी ओर, लेकिन कुछ डरती भी है, सोचती है कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, कैसे कोई इतने कम समय में किसी की रूह छू सकता है, कहीं ये सब झूठ तो नहीं। प्यार का एहसास वक्त के साथ और इंसान के दूर होके भी पास रहने पे होता है, तो थोड़ा वक्त तुझे भी लगेगा ना मेरी इन प्यारी बातों को समझने में। आज इन बातों को सुनती है कल तू महसूस करेगी, प्यार करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उसे निभाना है, ये वो आखा दरिया है जिसमें डूब के जाना है। मैं नहीं चाहता कि खुद डूब के तुझे सहारा दूं, मैं चाहता हूं तो सिर्फ इतना ही कि हम दोनों एक दूसरे को सहारा दें हमेशा। कितना कुछ कहना है कितना कुछ सुनना है, लेकिन जल्दी कुछ नहीं करना, इसलिए आराम से रहूंगा तुम्हारे पास, लेकिन रहूंगा सिर्फ तुम्हारे पास, क्योंकि हाँ होने लगा है मुझे प्यार तुमसे।